दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे छोटे प्राणी के बारे में जो अपनी सुंदरता और मासूमियत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एलिफेंट स्क्रू के बारे में। तो इस छोटे से प्राणी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंट स्क्रू जो पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है और पूरे अफ्रीका में एलिफेंट स्क्रू की टोटल 19 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है और एलिफेंट स्क्रू को सेंगिस और जंपिंग स्क्रू के नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि एलिफेंट स्क्रू खरगोश की तरह एक जंप में 3 फीट के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और एलिफेंट स्क्रू की सूंघने की सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी है जो उसे शिकार करने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार एलिफेंट स्क्रू एक डियर्नल एनिमल है, मतलब एलिफेंट स्क्रू दिन में सक्रिय रहते हैं और रात को सोते हैं। और एलिफेंट स्क्रू का क्लोजेस्ट रिलेटिव एडवर्ट्स एलिफेंट्स मुलेस और टेंडेक्स को माना गया है और इसके अलावा एलिफेंट स्क्रू को फास्टेस्ट स्मॉल मैमल भी माना गया है जिसकी रफ्तार तकरीबन 28 किलोमीटर पर आ रहे हैं। और ऐसे बताया जाता है कि एलिफेंट स्क्रू पूरे साल भर मेटिंग कर सकते हैं जहां पर फीमेल एलिफेंट स्क्रू जिसका प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 40 से लेकर 60 दिन का होता है और ठीक 40 से 60 दिन के बाद वो तकरीबन 1 से लेकर 2 बेबीज को जन्म देती है और उनका सेक्सुअली मैच्योर पीरियड बताया नहीं जा सकता। एलिफेंट स्क्रू एक सर्वाहारी प्राणी है जो ज्यादातर इंसेक्ट्स वर्म्स और स्पाइडर्स को कंज्यूम करते हैं और जंगलों में इंसानों के अलावा एलिफेंट स्क्रू का शिकार ज्यादातर स्नेक्स लिजर्ड्स और बर्ड्स करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एलिफेंट स्क्रू की लंबाई तकरीबन 12 इंच तक हो सकती है और वेट तकरीबन 500 ग्राम तक हो सकता है और दुनिया का लार्जेस्ट एलिफेंट स्क्रू ग्रे फेस्ड एलिफेंट स्क्रू है और जंगलों में एलिफेंट स्क्रू तकरीबन 4 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।